4 साल हो गए, अभी तक एक भी कंपनी नहीं आई, नौकरी देगा कौन? आधा सेमिस्टर हो गया, एग्जाम फॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर्म की लाइन में खड़ा हूँ, 75% अटेंडेंस भरेगा कौन? एग्जाम सर पे है और ये बेरहम भोसड़ी वाले टीचर असाइनमेंट देते जा रहे, पढ़ाई करेगा कौन? बैकलॉग निकालेगा कौन? इससे चढ़ने वाले 100 डिग्री बुखार में भी हिलाएगा कौन? भाई इंजीनियर जिंदा है। मुझे एक बात बता, एक इंजीनियर को 4 साल में क्या नहीं झेलना पड़ता? 48 सब्जेक्ट्स, उसके 48 थ्योरी एग्जाम, 48 प्रैक्टिकल एग्जाम, 48 वाइवा, फिर उस 48 सब्जेक्ट्स के 48,000 पेजेस के असाइनमेंट्स, 4 साल में 100 टाइप के फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, लौड़ा लसन फॉर्म, उसमें भी इनको सारे सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैं जिंदा हूँ सर्टिफिकेट, मेरा खड़ा होता है सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में एग्जाम का टेंशन, रिजल्ट का टेंशन, नौकरी नहीं लगने का टेंशन, आइटम का टेंशन, आइटम के टेंशन का टेंशन। मुझे एक बात बता, इंजीनियर का मतलब क्या होता है? कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना। यहाँ खुद इंजीनियर की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करके रख देते तो फिर क्या वो घंटा लोगों की लाइफ आसान बनाएगा? अपने देश से कोई भी स्टूडेंट एक इंजीनियर बन के बाहर निकलता है ना, मतलब एक गधे को घोड़ों की रेस में दौड़ने को कहा जाता है। अमेरिका के 10वीं के बच्चे के पास भी इतना नॉलेज होता है जितना अपने ग्रेजुएटेड इंजीनियर के पास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने 4 साल सिर्फ असाइनमेंट लिखने में और फॉर्म्स भरने के लाइन में बिता दिए। काहे का घंटे का डिजिटल इंडिया। कल मेरी वाइवा थी, एक्सटर्नल ने पूछा, अच्छा बताओ क्या पढ़ के आए हो? प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन का स्पर्म काउंट कितना होता है? अबे बूढ़ी गांड, मैकेनिकल में स्पर्म से क्या गाड़ी का इंजन चलाएगा क्या? प्रोडक्शन सिस्टम बोला मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं। फिर बाद में पता चला कि वो बाजू वाले मेडिकल कॉलेज का एक्सटर्नल गलती से हमारे कॉलेज में आया था और हमारा मैकेनिकल का गधा उनके पास चला गया था। हाँ तो बताओ क्या पढ़ के आए हो? सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, इसमें स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कहाँ होता है? पूरे भारत में हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेते। मुझे कोई भी छाती ठोक कर बताओ कि हम जो ये 4 साल में हजारों पेजेस के असाइनमेंट लिखते हैं, उसका हमें कुछ फायदा होता है? अरे घंटा फायदा होता है। चलो हमने असाइनमेंट लिख भी ली और टीचर के पास गए तो बोलते पेजेस को स्केच पेन से बॉर्डर करो, अंडरलाइन मारो, हैंड राइटिंग अच्छी से लिखो। अबे ये असाइनमेंट है, तेरी बेटी का शादी का कार्ड नहीं। और वैसे भी 2 साल बाद तू इस असाइनमेंट से अपने बच्चे की टट्टी साफ करने वाला होगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, ये असाइनमेंट का लफड़ा बंद कर दो यार। क्यों गांड मार रहे हो? क्या बच्चे की जान लेगा बे तू? जैसे हमारा रिजल्ट लगता है तो वो रिश्तेदार जिन्हें हम कुंभ के मेले में छोड़ के आए थे, उन्हें पता नहीं हमारा नंबर कहाँ से मिल जाता है, फोन करके पूछेंगे रिजल्ट क्या आया। क्यों बे 7वीं फेल, तुझे ऐसा तुन आवाज वाला? फोन रख वरना अंदर घुस के फोड़ूंगा। तू मेडिकल वालों को देख, कॉलेज के बाद भी वो तुझे डॉक्टर के रूप में मिलेंगे। एयरफोर्स वालों को देख, हमेशा पायलट के रूप में मिलेंगे। लेकिन इंजीनियर एक ऐसा बहिरूपिया प्राणी है जो तुझे दारू भट्टी, पान टपरी वाला, चर्सी, चोर, डाकू, बिजनेसमैन, वॉचमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरनमैन, गुंडा, सुपरस्टार, पॉर्नस्टार, भिखारी सब में दिखेगा, लेकिन एक इंजीनियर के रूप में कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं होता कि बेंचो हमने 4 साल लाखों रुपए खर्च कर किस चीज की पढ़ाई की है, हमारा अस्तित्व क्या है। कंट्रोल भाई कंट्रोल। अगर जीवन में बैकलॉग लेके चल रहा है तो जिंदा है इंजीनियर। नौकरी और छोकरी की उम्मीद छोड़ चुका है तो जिंदा है इंजीनियर। हिला हिला के हाथ घिस चुके हैं तो जिंदा है इंजीनियर। टीचर के तलवे चाटकर इंटरनल मार्क्स ले रहा है तो जिंदा है इंजीनियर। अपनी जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, समझकर जी रहा है तो जिंदा है इंजीनियर। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इमोशनल होके अपना बंदा वीडियो को लाइक ठोक कर जा रहा है तो इंजीनियर जिंदा है।